हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीख रहे हैं पैथन। तो लास्ट वीडियोज में हमने लूप के बारे में सीखा, वो भी वाइल लूप के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉर लूप, जहां पे स्टार्टिंग एंडिंग या एक रेंज के अकॉर्डिंग करना होगा, क्योंकि वाइल लूप में हमने देखा कि हम एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, बट जो फॉर लूप है उस फॉर लूप में हम एक स्टार्टिंग एंडिंग होता है, एक रेंज के अकॉर्डिंग हम लूप लगाएंगे। जी हाँ, लूप एक रेंज के अकॉर्डिंग लगता है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, मैं आपको कि यहां पे मैं लिख कर दिया एस इक्वल टू, मान लीजिए मैं अपना नाम ही दे देता हूं सुजीत। अब मुझे हर एक लेटर को प्रिंट करना है। क्या करना है? हर एक लेटर को प्रिंट करना, प्रिंट एस, प्रिंट यू, प्रिंट जे, प्रिंट ई, इस तरह से। तो कैसे करें? यहां लगाएंगे हम कि फोर एस, सॉरी माफ कीजिएगा, फोर CHR इन S, फोर CHR, CH मतलब करेक्टर, तो CH इन स्ट्रिंग। और फिर यहां पे हम कर देंगे, यहां पे सेमी कॉलम देते हैं और यहां पे करेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम मान लीजिए CH कर देंगे, CH। अब इसको एक बार प्रिंट करते हैं, तो देखिए देखिए SUJEET आ गया। इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, किसको एक तरीके से और किया जा सकता है कि हमने यहां पे ले लिया एक एन, ले लिया एन इक्वल टू, एक लेन का फॉर्मूला होता है एक्सेल में भी चलता है जनरली, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है लेन, जो कि लेंथ ऑफ करेक्टर दिखाता है। तो हम एन एस कर दिए, तो क्या हो गया कि एस के अंदर जितने भी लेंथ है वो लेंथ यहां पे चल जाए, और लेंथ जब चलने के बाद हम यहाँ पे सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे अब जो लूप लगेगा वो हम लगाएंगे कुछ इस तरह से कि फोर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हम ब्रैकेट ओपन में हम कर देते हैं एन, और फिर यहां पे करते हैं, सॉरी यहां पे सेमी कॉलन देना भूल गए, यहां पे सेमी कॉलन, और यहां पे करते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम दे देते हैं अपना एन, एन नहीं माफ कीजिए आई होगा, जो जो भी हम कॉल करते इसको करते हैं यहां पे, ये हमारा होता है कॉलर। तो यहां पे हम रन करें तो देखिए यहां पे आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, क्योंकि हमने नंबर दिया, बोले से इसमें करेक्टर नहीं आया, तो करेक्टर नहीं आया क्योंकि हमने करेक्टर दिया ही नहीं। अब यहाँ पे एस स्क्वायर ब्रैकेट में हम आई को लिख देते हैं, अब इसके सारे करेक्टर आएगा नंबर की जगह पे, तो आई पे जो नंबर स्टोर हुआ 0 1 2 3 4 5 6 नंबर है, इसलिए 0 से 5 तक लेके गया। अब यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, अब देखिए SUJEET आप यहाँ पे शो। तो इस तरह से हम करते हैं आगे, इस पर आगे बात करते हैं, आगे क्या करते हैं। अब यहां पे चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं यहां पे, तो एक रेंज में हम रेंज की बात करते हैं तो नॉर्मल थी, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें रेंज की बात करते हैं। रेंज जैसे हमने यहां पे दे दिया कि फोर एक्स इन रेंज, रेंज में ये आपका रहता है स्टार्टिंग एंडिंग, मतलब कि 1 से स्टार्ट हो 10 तक चले, और यहां हमने मान लीजिए कि 1 का गैप दे दिया, 1 का गैप, तो यहां पे देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हमने यहां पे दे दिया एक्स। अब देखिए क्या प्रिंट करेगा ये, तो ये देखिए 1 से लेके 9 तक। अब यहां पे 1 से लेके 9 तक किया, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहीं पे दिखता है कि जब आप कोई प्रिंट करते हैं तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम होती है कि 1 से लेके 9 तक आपको शो कर रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर 0 कर दिया, 0,
जीरो, 10 एंड 1। यहां पे हम इसको रन किया तो 0 से 9 आप देख रहे हैं। तो जो आप यहां डालेंगे वो हमेशा उससे कम लेगा, एक कम लेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है कि कितने का गैप आएगा। अगर मैंने यहां पे 2 कर दिया तो हर नंबर में 2 का गैप आएगा, कितना गैप आएगा, 2 का गैप हो गया। अगर इसी में अगर -1 किया तो क्या होगा, तो -1 में यहां आपको कुछ नहीं शो किया, तो जब माइनस में देते हैं तो रिवर्स में जाता है, तो यहां पे आपको इसको स्वैप करना होगा, 10 to 0, और यहां पे हमने -1 कर दिया। तो देखिए 10, 9, 8, 7, 8 ये जो है आ गया आपको। इस तरह से तो ये हमारा लूप के अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस लूप में हम बात करते हैं कि किसी एक एरे के अंदर लूप कैसे चलाया जाए। जी हाँ, एक एरे के अंदर, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया, तो एल ले लिया हमने कि एल इक्वल टू, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने नंबर डाल दिया कि 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से, इस तरह से हम कॉमे का साथ डाल दिया। अब यहां पे देते हैं कि 4 element, ELEMENT, इलेमेंट इन एल। यहां पे हम देते हैं प्रिंट प्रिंट, और प्रिंट में हम यहां पे देंगे इलेमेंट। जी हाँ, इलेमेंट, इलेमेंट एक रिजर्व वर्ड है, ध्यान रखिए। इसे बीवीए में आई होता है, सॉरी आइटम, ऐसे यहाँ पे इलेमेंट जो है रिजर्व। इससे पहले इलेमेंट करेक्टर के लिए क्या था, सीएच था, करेक्टर के लिए सीएच था, और एरे के लिए इलेमेंट होता। तो इलेमेंट में क्या होता है, चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, दोनों फॉर्मेट में सेम वर्क करता है। तो यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 एक एक करके इसमें प्रिंट करके अलग कर दिया। इसमें कुछ कुछ सम करना चाहते हैं, कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो भी आप आसानी से इसके अंदर आप कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। जैसे मान लीजिए मुझे सबका सम करना, क्या करना है, सबका सम करना है, तो एलिमेंट प्रिंट करते हैं और यहां पे लिखते हैं। अब इसको यहां पे एलिमेंट हटा देते हैं और यहां पे हम लिखते हैं कि 4 IN L, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑन हो गया, माफ कीजिएगा, इन एल, सेमी कोलन देते हैं, और यहां पे हम लिखते हैं ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं कि एस या सम इक्वल टू 0। फिर यहां पे हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम यहां पे देते हैं अपना आई, और फिर यहां पे करते हैं सम प्लस इक्वल हम आई कर देते हैं, और फिर लास्ट में नीचे यहां लिखते हैं प्रिंट, लूप से बाहर लिखेंगे प्रिंट बना हो तो बार बार प्रिंट करेगा सम प्रिंट, और प्रिंट में यहां पे हम कर देते हैं सम, इन्वर्टर कॉमा देते हैं, ये टाइटल भी दे देते हैं कि सम इक्वल यहां पे कॉमा सम। रन कीजिए एक बार, आ गया, शायद नंबर शो हो गया, लास्ट में सम शो हो गया। तो जी सम प्लस इक्वल किया आई, तो आई एक एक करके चला, पहले बार में 10 था तो 10 जोड़ दिया, दूसरे बार में 20 था तो 20 जोड़ दिया, तीसरे बार में 30 था तो 30 जोड़ दिया, चौथे बार में 40 था तो 40 जोड़ दिया, 50 था तो 50 जोड़ दिया, एक एक करके सारे नंबर्स इसके अंदर जोड़ते चले गए। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लूप के और फीचर्स के बारे में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।